यूपी टेट 2022 ये परीक्षाएं भी हुई स्थगित, क्या टीटी एग्जाम भी होंगे पोस्टपोन्डेड। तो बड़ी खबर है आप लोगों के लिए, वीडियो एंड तक देखते रहें तभी सारी चीज़ें कंफर्म हो पाएंगी। 4 जनवरी की न्यूज है दोस्तों, चलिए पूरी खबर देखते हैं कि क्या आपका यूपी टेट भी पोस्टपोन्डेड हो पाएगा। यूपी टेट 2021 हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग SSC की तरफ से इस भर्ती के जरिए जो है विकास पंचायत विभाग 697 ग्राम सचिव पदों पर, अभिलेख विभाग में 588, पटवारी और सिंचाई जल संसाधन विभाग में 1100 नहरी पटवारी, ऐसे बहुत पद कुल मिला के 2385 पदों की भर्तियां होनी थी, जिसमें नई दिल्ली में कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से भारत में संक्रमित की संख्या बढ़ने लगी है, जिसकी वजह से परीक्षाओं में स्थगित कर दिया जा रहा है। इसके चलते बहुत सी परीक्षाएँ स्थगित की जा रही हैं और बीते दिनों में महाराष्ट्र सरकार की आयोग 2 जनवरी को होने वाली परीक्षा को भी स्थगित कर दिया है। अब हरियाणा में ग्राम सचिव पटवारी जो कैनाल पटवारी भर्ती लिखित परीक्षा उसको भी स्थगित कर दिया गया है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है, हर प्रदेश में भर्तियां जो है पोस्टपोन्डेड कर दी जा रही हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि ये परीक्षा कोरोना के चलते स्थगित की गई है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि 23 जनवरी को जो प्रस्तावित यानी कि जो होने वाली TT एग्ज़ाम है, तो TT परीक्षा भी स्थगित कर दी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से कोरोना संक्रमित संख्या बढ़ोतरी हो रही है उसे देखते हुए यही लग रहा है कि हालांकि शिक्षा विभाग की तरफ से अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, यानी कि शिक्षा विभाग की तरफ से अभी तक TT एग्ज़ाम को स्थगित करने को लेकर कोई भी सूचना नहीं दी गई है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप भ्रम से दूर रहें, फिलहाल जो प्रक्रिया चल रही है उसके अकॉर्डिंग लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, अपना गेस यानी अनुमान लगा रहे हैं कि सारे प्रदेश में जो है परीक्षाएँ स्थगित कर दी जा रही, हो सकता है UPTET का एग्ज़ाम भी स्थगित कर दिया जाए। हालांकि अभी सूत्रों के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसी खबर नहीं है, यहां पर आप देख सकते हैं साफ जाहिर किया गया है। तो आगे की जो भी अपडेट होगी आपको इसी चैनल पर सही और शुद्ध जानकारी दी जाएगी। अगर आप सही जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं, काफी भाई कमेंट्स करके पूछ रहे हैं। सो फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।